पहनावे से नाराज होकर गुस्से में भाई ने बहन की हत्या कर दी थी। यह बात गुरुवार को आरोपी भाई ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताई। पुलिस ने कोर्ट में पेश करके आरोपी को जेल भेज दिया है। रविवार को कोतवाली भरतना क्षेत्र के मोहल्ला रानीनगर में मायके में आई अनीता की रविवार रात को सिर में तवा मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पर पड़ोस में रहने वाली सभासद बुआ गीता देवी ने आरती के पति राजीव उर्फ रिंकू निवासी मानी कोठी थाना कुदरकोट औरैया पर रात में आकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस की जाँच में पति के भरतना न आने की बात पता चली थी। वहीं भाई विजय पर पुलिस को संदेह हो गया था। पुलिस की जांच में आरती के पति और उसके साथियों की संलिप्तता नहीं पाई गई। इस पर मुकदमे से उनके नाम निकाल दिए गए। वहीं पुलिस तथ्यों के आधार पर आरोपी भाई विजय को गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भाई ने बताया कि बहन का पहनावा ठीक नहीं था, इसे लेकर उसे कई बार समझाया लेकिन वह लड़ने पर आमादा रहती थी। रविवार रात को भी उससे इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। गुस्से में आंगन में रखा तवा उठाकर उसके सिर में मार दिया था, इससे उसकी मौत हो गई। गिरफ्तारी टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह, एसआई हाकिम सिंह शामिल रहे। गुरुवार को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया। देखिए, बहुत ही संवेदनशील इशू है। एक भरथना थाने पर जनपद दवा में दिनांक 19-20 की रात में एक झगड़ा हुआ था घर पर, जो है इसमें एक महिला को चोट लगी थी और महिला की इलाज के दौरान बाद में मृत्यु हो गई थी उसके सर पे चोटों के कारण से, जिसके संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया था थाना भरथना में। और इंस्पेक्टर भरथना तथा CO भरथना के नेतृत्व में इसमें जाँच चल रही थी और इसमें जो FIR आई थी ये लड़की के चाची की तरफ से आई थी और उसमें FIR दर्ज कर लिया गया था। और बाद में जब पूछताछ कायदे से की जाती है तो जो लड़की 5 साल पहले जिसका विवाह हुआ था वो अपने भाई से किसी बात को लेकर के, उसके एड्रेस को लेकर के जो है भाई से झगड़ा हो गया था, जो जांच में अंतिम रूप से सामने आया है। और फिर भाई से उसका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद भाई ने उसके सर पर तवे से कई बार हमला कर दिया जिससे उसको चोट लग गई थी काफ़ी गंभीर रूप से सर पर और इलाज के दौरान बाद में मृत्यु हो गई थी। हाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें चाची के द्वारा पति पर और उसके 2 साथियों पर आरोप लगाते हुए अभियोग दर्ज कराया गया था, लेकिन जो जांच से तथ्य सामने आए तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उनके सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की। तो क्या माना जाए, महिला की जो मौत है वो उसके कपड़ों को लेकर ही की गई है? हाँ, उसके ड्रेस को लेकर की झगड़ा भाई से शुरुआत में हुई थी और बाद में दोनों भाई बहन में झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर के गंभीरतापूर्वक, और जिससे घटना को भाई ने अंजाम दिया था। आखिर चाची ने उनके पति को फंसाने की कोशिश क्यों की, इसके पीछे क्या मंशा रही उसकी? जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि पहले अपने घर वालों को बचाते हैं लोग, तो वो उसी परिदृश्य में जो है इस तरह से FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने जो है दूध का दूध पानी करते हुए इस मामले को सही जानकारी तथ्यों के आधार पर करते हुए सही मुलजिम गिरफ्तार किया गया और मुलजिम द्वारा कन्फेस भी कर लिया गया है और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले ही मैंने बता दिया इसमें कि ड्रेस को लेकर के झगड़ा हुआ था और ड्रेसिंग सेंस को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी बात पर भाई ने अपनी बहन को जो है काफ़ी गंभीरता से मार दिया जिसपे चोट लग गई थी उसकी।